तो दोस्तों आज आपके वीडियो के अंदर देखाऊंगा कि ये जो तोशिबा लिखा है तो दोस्तों ये तोशिबा लेखा को कैसे चेंज किया जाता है, क्यों चेंज करना पड़ेगा कि देखिए ये जो टीवी का कैबिनेट है ये कैबिनेट का ऊपर लिखा है बीपीएल का, तो आपको बीपीएल ये लेखा करना चाहता हो तो कैसे इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह इसका ऊपर ये टॉपिक के ऊपर मैं 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ, उसका जो सर्विस मोड और कोड नंबर वो अलग है, बट आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि इसका अंदर एक अल्ट्रा स्लिम चैसिस इंस्टॉल है, ठीक है। अल्ट्रा स्लिम चैसिस न्यू इंस्टॉल है और उसका अंदर टीवी ऑन करने के बाद इस तरह तोशिबा लिखा देखा जाता है, तो ये तोशिबा को कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको वीडियो पर ले चलता हूँ और आपको जो बताना चाहता हूँ कि सर्विस मोड ओपन करने का तरीका सबको पता है कि ये मेरा पास जो टीवी का रिमोट है यहाँ पर एस मोड लिखा है जो इसका अंदर सर्विस मोड है, बट अलग अलग रिमोट का अंदर जो छेद देखा जाता है वो छेद पुश करने के बाद सर्विस मोड ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये सब बटन पुश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और चलिए मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊँगा कि ये तोशिबा लिखा बहुत टीवी का अंदर जो होता है मेनू 6483 दबाने के बाद वो सर्विस मोड ओपन हो जाता है और कुछ टीवी का अंदर ये चेंज कर लोगो चेंज करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। चलिए मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि फर्स्ट ए वी मोड करना पड़ेगा, तो चलिए मैं ए वी मोड पर है कि नहीं आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये अभी ए वी टू ऑटो और ए वी वन, देखिए ए वी वन मोड पर है। चलिए मेनू 6483, देखिए 6483 दबाया तो दोस्तों इसका फैक्ट्री मोड ओपन हो गया, लोगो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा, चलिए मैं सर्विस मोड आउट कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले बॉटम पुश करके सर्विस मोड आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए फर्स्ट आपको सर्विस मोड का अंदर इनपुट करना जाना पड़ेगा। देखिए सर्विस मोड पर इनपुट किया, उसका बाद फिर भी दबाया और आपको 4 नंबर पेज पर जाना पड़ेगा। देखिए ऊपर F4 पे जो लिखा है यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, इसका अंदर एक ऑप्शन है, देखिए ये जो लोगो 1 है और इसका नीचे नो SG लोगो ये 0 है, आपको ये जो नो SG लोगो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो नो SG लोगो इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको 2 करना पड़ेगा, देखिए मैं इसको 2 कर दिया और ये जो डिस्प्ले पोजिशन ये 1 है और ये जो लोगो ये 1 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 4 नंबर पेज का अंदर, और कुछ भी सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं सर्विस मोड क्लोज कर देता हूँ। सर्विस मोड क्लोज करने के बाद देखिए इसी तरह लोगो एक आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब लोगो आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा, चलिए मैं ट्राई करके देखता हूँ कि 2483, दोस्तों 2483 दबाए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, फिर भी 2483, दोस्तों चलिए मैं देखता हूँ 6483, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है 6483। तो दोस्तों आपको बहुत कुछ ट्राई करके दिखाया, जो नंबर आपको दबा के दिखाया वही नंबर से ही ओपन होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आप सेम नंबर सेम तरीका से दबाया और आपका नहीं होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि सर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेम नंबर आप दबाएगा तो नहीं होगा तो एक्चुअली किस तरह दबाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा कि 2483 ये नंबर आपको दबाना पड़ेगा, मतलब 2483 और उसके बाद फिर भी 2483 साथ दबाना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। चलिए मैं आपको रिमोट लेके दिखाता हूँ, देखिए 2483, देखिए एक बार नहीं हो रहा है 2483, देखिए दोस्तों दो बार, मतलब 2483 आपको दो बार साथ दबाना पड़ेगा, जब दबाएगा कि इसका ये जो लोगो चेंज करने का जो नंबर होता है कोड नंबर वो ओपन हो जाता है, और उसके बाद ये लोगो आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेंज करके ही दिखाता हूँ। देखिए ये डॉट डॉट जो लिखा है आपको इसी तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो एक सिलेक्ट है ये वाइट वाला है और ये येलो वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 1 साइज कलर मूव, तो आप मूव कर सकते हो, ये जो लिखा है इधर उधर कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा, चलिए मेनू बटन दबाना पड़ेगा, देखिए मेनू बटन दबाया
ये वन हो गया, फिर मेनू बटन दबाया, इसका साइज चेंज कर सकते हो, और फिर भी मेनू बटन दबाने का बाद ये कलर चेंज कर सकते हो, फिर भी मेनू बटन दबाने का बाद आपको मूव कर सकते हो। तो ये देखिए, फिर दबाने के बाद ये नीचे चलाया, ठीक है, इसका अंदर आप फिर भी आर एक लाइन लिख सकते हो कुछ भी। तो इसका ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया, तो आपको देखूंगा कि इसका अंदर। तो दोस्तों, मेनू बटन दबाने के बाद ऊपर का जो अलग अलग ऑप्शन है वो चेंज हो जाता है। मेन लिए आपको मेनू बटन दबा के ऊपर लाइन का जो ऑन ऑप्शन है आपको ऑन ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिमोट का मेनू बटन दबा के और ये नीचे वाला बटन दबा के और उसके बाद ये जो रेड लाइट बटन है इसको दबा के आपको ये जो कर्सर को आपको स्लाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, टी पर मैं सिलेक्ट किया, देखिए टी का कलर ये वाइट हो गया। तो इसका मिडिल पोजीशन, ये जो मिडिल पोजीशन तीनों ऑप्शन को मैं क्या लिखूँगा, बीपी लिखूँगा। तो इसलिए ये जो दोनों ऑप्शन ऊपर नीचे है इसको आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक डॉट लेके आना पड़ेगा, देखिए ये डॉट मैं कर दिया, और उसके बाद ओ को चेंज करूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और चलिए मैं इसको बी कर देता हूँ। बी, और इसको पी कर देता हूँ, पी, इसको एल कर दिया, और ये जो बी है तो दोस्तों इसी तरह ये तरीका सिंपल है। तो चलिए मैं ये बीपिल कर दिया, बीपिल करने के बाद ये रिमोट का डिस्प्ले बटन आपको दबाना पड़ेगा। देखिए, मैं डिस्प्ले बटन दबाया, ठीक है, दबाने के बाद ये गायब हो गया, और आपको क्या करना पड़ेगा देखिए, फिर भी आपको सर्विस मोड ओपन करना पड़ेगा। सर्विस मोड जो नॉर्मल फैक्ट्री सेटिंग्स होता है, आपको ये फैक्ट्री ओपन करना पड़ेगा, फिर भी सर्विस मोड का बॉटम एक बार पुश करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको चार नंबर पेज ओपन करना पड़ेगा। देखिए चार नंबर पेज है, और उसका अंदर ये जो नो एस जी लोगो है, नो एस जी लोगो को आपको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो करने का बाद आप सर्विस मोड आउट कर दीजिए डिस्प्ले बॉटम पुश करके, और देखिए टीवी के अंदर बी पी एल लिखा आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कन्फर्म करके देखा, तो मैं स्टैंड बाई कर दिया। स्टैंड बाई करने के बाद जब आप स्टैंड बाई से ऑन करोगे, ठीक है, स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद टीवी का अंदर बीपीएल लिखा आ जाएगा, और दोबारा तोशिबा लिखा नहीं आएगा। तो इसी तरह कुछ भी टीवी कैबिनेट हिसाब से आप लिख सकते हो, बीपीएल, ओनिडा, सैमसंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, ये जो कुछ मैं सब कुछ किया, ये सब करने के लिए आपको ए भी मूड पर सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा स्क्रीन को, ठीक है दोस्तों।